अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से कलेक्ट की है। बहुत सारी वीडियोस देख के उसका एक जो निचोड़ होता है वो निकाल के इसको यूज़ करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। मैं अपनी शादी के 2 मंथ्स पहले इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव था, स्कैल्प से छोटे छोटे हेयर जो है वो रीग्रो हुए थे। अच्छा, ये इक्वली इफेक्टिव है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। इसको अगर फॉर एग्जांपल आपके फादर या ब्रदर को कोई मसला है बालों का, बाल नहीं उग रहे या बहनों के बाल गिरे हैं या लंबे नहीं हो रहे, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है और एलोवेरा यूज़ किया, और इसमें मैंने मेहंदी के पत्ते, नीम के पत्ते, और मैंने इसमें यूज़ किया है सरसों का तेल, ठीक है। तो जो एलोवेरा और नीम के पत्ते हैं, अच्छा नीम का ये सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है कि ये जर्मिसाइडल होता है, ये जर्म्स को किल करता है, ठीक है। और ये जो ऑयल है उसकी स्टोरेज लाइफ को इंक्रीज़ करता है। और उसके बाद हमने जो एलोवेरा यूज़ किया है और जो कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, इसमें हमारे पास ग्रोथ इफेक्ट होता है, कंडीशनिंग इफेक्ट होता है। कोकोनट ऑयल और एलोवेरा हमारे बालों को स्मूथ करते हैं। एलोवेरा जो है वो नए हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इस रेसिपी को फॉलो करें और प्लीज़ मुझे इसके रिजल्ट्स के बारे में लाजमी बताइएगा। मैंने खुद तो ट्राई किया है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करी। आइए देखते हैं रेसिपी। वॉचिंग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा मिड अगस्त तक ये गोल है कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को और आगे शेयर करें ताकि इफ़ यू हैव सब्सक्राइब तो और भी लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच अगेन।